विधानसभा चुनाव से तकरीबन एक साल पहले राजस्थान बीजेपी में हुए विस्तार मॉडल के आगाज के बावजूद पार्टी अपने मिशन 180 में तो फेल हुई ही, साथ ही सत्ता से भी बेदखल हो गई। प्रदेश भर में करीब 200 विस्तारकों को विभिन्न विधानसभाओं में भेजा गया और वो भी इन्हें बाइक और भत्तों के साजो सामान के साथ। लेकिन फिर भी आरएसएस की तर्ज पर तैयार विस्तारक मॉडल बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं करवा सका। एक देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी में विस्तारक मॉडल को लेकर संघ की पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया और पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत नेताओं को विस्तारक का जिम्मा सौंपा गया, जिसके तहत करीब 170 विस्तारक बनाए गए। साथ ही अल्पकालिक विस्तारकों की पूरी सेना भी तैयार की गई। चुनाव से पहले करीब एक साल तक विस्तारकों ने ग्राउंड पर काम किया और शीर्ष नेतृत्व को चुनावी फीडबैक देने का भी काम किया। विस्तारकों की अहम जिम्मेदारी ये थी कि इन्हें सरकारी योजनाओं को आम जन के बीच प्रचारित करने के साथ साथ गुटबाजी को दूर करने और पार्टी को सशक्त बनाना था। विस्तारक का काम मिशन 180 के लिहाज से बेहद खास था, लेकिन चुनाव समाप्ति और कांग्रेस सरकार के निर्माण ने बीजेपी की विस्तारक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विस्तारक फेल हुए या फिर उनकी ओर से बताई गई ग्राउंड रियलिटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में विस्तारक लगाए गए। भाजपा चाहती थी कि विधानसभा चुनाव की वैतरणी इन विस्तारकों के जरिए ही भाजपा पार करे। विस्तारकों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम भी किया, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में उन्हें स्थानीय भाजपा नेता और पदाधिकारियों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके चलते वे उस तरह काम नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को उनसे थी। हालांकि हाल ही में हुई विस्तारकों की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी फीडबैक रिपोर्ट संगठन को सौंप दी है, जिसमें अधिकतर विस्तारकों ने इस बात का भी पूरी तरह से उल्लेख किया कि उन्हें स्थानीय भाजपा नेताओं का सहयोग नहीं मिल पाया। विस्तारक प्रक्रिया क्यों असफल साबित हुई, इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शुरू की गई थी। अमित शाह के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थानीय संगठनों ने जोर शोर से शुरुआत की थी, लेकिन कई खामियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए और चुनावी पराजय का दंश भी झेला। जयपुर में विस्तारकों की पहली बैठक में अमित शाह ने पूरे मॉडल के प्रति गंभीरता बरतने को लेकर राज्य नेतृत्व को आगाह भी किया था। बीजेपी सत्ता और संगठन के बीच इस मुद्दे पर सेतु नहीं बना पाई और खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। आखिरकार सत्ता गंवाने के कारणों में विस्तारक मॉडल भी शुमार हो गया। चुनावी मुहिम में विस्तारकों की भी बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो भी शायद कुछ हद तक फेल नजर आई। अब लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन नए सिरे से जिम्मेदारी तय करने में जुटा है। अब पार्टी एक बार फिर इन विस्तारकों की कमी व खामियों को दूर करते हुए दोबारा लोकसभा में तैनात करने जा रही है। अब देखना होगा कि संघ की तर्ज पर बना विस्तारक मॉडल क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत में अहम रोल अदा कर सकता है या नहीं। जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।